नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा भारत समाचार और दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के ऑफिस और संपादकों के घर पर छापेमारी का विरोध प्रदर्शन करते हुए महोबा जिले के संयुक्त मीडिया क्लब के सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधन ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त मीडिया क्लब के दर्जनों सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों पर दबाव बनाने का विरोध करते हुए पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी की है। तो वहीं आप पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पहुंचकर सरकार की नीतियों और भारत समाचार दैनिक भास्कर के खिलाफ दबाव की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए एक दिवसीय धरना दिया है। महोबा में संयुक्त मीडिया क्लब के दर्जनों सदस्यों ने सरकार द्वारा पत्रकारों पर बनाए जा रहे दबाव का विरोध किया है। मीडिया के सदस्यों ने सदर के अलहद चौक से पैदल मार्च निकाल तहसील पहुंच एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त मीडिया के जिला अध्यक्ष भगवान दीन ने राज्य सरकार द्वारा चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया। आप पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में बैठे पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राकेश कुमार पटेलिया ने एक दिवसीय विरोध करते हुए कहा कि सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सच दिखाने वाले चैनल भारत समाचार और दैनिक भास्कर के संपादक और कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रही है, जो घोर निंदनीय है। दैनिक भास्कर और भारत समाचार न्यूज एजेंसी द्वारा पिछले माह लगातार जनहित में समाचारों का प्रकाशन किया गया और उसे प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वाग्रह से आकर्षित होकर के उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, जो अनुचित कार्रवाई है। इसी के विरोध में हमारे समस्त पत्रकार साथियों ने प्रदेश सरकार की दोषपूर्ण भावना के तहत की गई कार्रवाई को और पत्रकारिता की स्वतंत्रता तथा अक्षुण्णता को दबाने के लिए उसका कड़ा विरोध किया। राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अक्षुण्णता कायम बनी रहे, आम जनता में लोकतंत्र के प्रति जो है विश्वास कायम रहे, इसलिए सरकार को ऐसे कृत करने से रोका जाए और पत्रकारों पर एजेंसियों पर अनर्गल दबाव न दिया जाए, उन्हें स्वतंत्रता रूप से अपना जो है कर्तव्यों का और जनहित में काम करने दिया जाए। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जहां हापुड़ पुलिस बदमाशों व दबंग लोगों पर दिन प्रतिदिन नकेल कसी नजर आ रही है, तो वहीं बदमाश भी हापुड़ पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बीज गांव में लगभग 8 से 10 युवकों ने फायरिंग करते हुए एक युवक को मारने का प्रयास किया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में स्थित ग्राम श्यामपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तमंचा लहराते हुए बाइक पर सवार 8 से 10 लोगों ने दिन दहाड़े गांव के एक युवक हरेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। बता दें कि जैसे ही फायरिंग की आवाज गांव वालों के कानों तक पहुंची तो गांव के लोग एकत्रित हो गए। वहीं गांव के लोगों की भीड़ को देखते हुए बाइक सवार लोगों ने भागने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी हुए। हालांकि गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए दो लोगों को दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि इन युवकों से कुछ समय पहले भी हरेंद्र व उसके भाई के साथ मारपीट की थी और आज एक बार फिर हरेंद्र को जान से मारने की कोशिश की। गांव वालों की मानो तो पकड़े गए दोनों युवकों के पास से दो मोटरसाइकिल व एक तमंचा भी बरामद हुआ है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। देवास हरदा प्रवास पर आए जल संसाधन एवं हरदा प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने संस्था चिराग के साथ नानसा बालिका छात्रावास में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक पंडित आशीष शर्मा, संस्था के संचालक अर्पित तिवारी एवं भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वृक्षारोपण के समय तुलसी सिलावट ने संस्था के युवाओं की प्रशंसा की एवं संस्था के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। मंत्री तुलसी सिलावट दो दिन के हरदा प्रवास पर आए हुए हैं। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से महेश वारिवा के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।